नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसेन की खास पेशकश प्राइम टाइम पर। इस प्राइम टाइम में मैं हूं आपके साथ में रत्नाकर, और मेरे साथ में है हमारे एडिटर इन चीफ इमरान जी। इमरान जी, आपका स्वागत है। हालात बनते बिगड़ते, परिस्थितियां हाथ के बाहर जाती हुई, सिर्फ नागपुर की नहीं, पूरे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड की हम अगर बात करें, लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें नागपुर की, तो स्थिति बहुत ही भयावह है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, लोगों की बात करें, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। क्या समीक्षा करेंगे स्थिति की? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से अभी आज की अगर बात की जाए, तो देश में ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ऑलमोस्ट सभी जो ड्रग्स जो कोरोना के इलाज के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सारे ड्रग्स की कमी जो है अपने आप में बहुत अहम मुद्दा बना। ऑक्सीजन जी हाँ, कल जो नागपुर सीट में जो घटना हुई है, उसमें 12 लोगों की दुर्दैवी से 24 लोगों की, माफ करना, जी हाँ 24 लोगों की, पहले स्टार्टिंग में 22 हुए थे, बाद में 2 लोग की और मौत हो चुकी है। मतलब आपको बता दें कि शहर आप अगर नागपुर की बात करें या पूरे देश की बात करें, पूरे देश में, राज्य में, हर जगह ऑक्सीजन की मारामारी देखते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा किल्लत है। आप देखेंगे कि पूरे सोशल मीडिया देखें, या आप और हम भी मीडिया से जुड़े हुए, तो हमें हर दूसरा फ़ोन जो है वो इसीलिए आता है कि आपको हमें O2 ऑक्सीजन की बेड की ज़रूरत है, रेमडेसिविर की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मेडिकल असिस्टेंस मिल जाए तो हमारा पेशेंट बच जाए। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदों का दौर, कहीं ना कहीं निराशा का दौर, और बढ़ते हुए आंकड़े, बढ़ते हुए मौत के आंकड़े, कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है दिनों दिन भयावह होती जा रही है। जी हाँ, आज जो विषय है हमारा कि रेमडेसिविर, जी हाँ, रेमडेसिविर की जो किल्लत जो जा रही हो, कि सही में इतने, मतलब प्रोडक्शन बिल्कुल कम ही है जी, और जिस तरह से कालाबाजारी बढ़ती जा रही है रेमडेसिविर की, पिछले कुछ दिनों में नागपुर शहर की अगर बात करें, तो कंटिन्यू 3 दिनों में 3 अलग अलग कार्रवाई में ऐसे मामले उजागर हुए हैं। अगर आज अगर हम देखा जाए, तो IMA की जो टीम ने कहा है कि 85% लोग जो है कोरोना पॉजिटिव, उनको रेमडेसिविर की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है जी। इस वजह से क्या हो रहा है कि जिन्हें ज़रूरत है और जिन्हें ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरतमंद इंसान है वो रेमडेसिविर से दूर चला जा रहा है, उसकी वजह से मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है जी। क्या कहना चाहोगे इसके इसके बाद? देखिए इमरान, ये जो है ना रेमडेसिविर की एक तो रिक्वायरमेंट, जो प्रिस्क्रिप्शंस जो आ रहे हैं, और उसके साथ में जो अलग अलग जो ड्रग्स है, इनकी एक आवश्यकता, सही व्यक्ति को सही जगह पे उस रेमडेसिविर की आवश्यकता होना, उसका सप्लाई होना, और उसकी सप्लाई नहीं होने की वजह से उसकी मौत हो जाना। इस बीच एक और अहम मुद्दा उठता है कि सप्लाई जब हो रहा है, तो इस सप्लाई की कालाबाजारी के चलते उस रेमडेसिविर में कई लोगों ने इंजेक्शन के बदले में पानी डालकर, डिस्टिल वाटर डाल के दे दिया, तो ये जो जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया। देखिए, वो भी इंसान है जो पेशेंट है, वो भी इंसान है जो इलाज कर रहा है, वो भी इंसान है जो ये रेमडेसिविर की कालाबाजी कर रहे हैं। तो ये इंसानियत इस कदर इस दौर में, अगर उसकी जो हम ये कहेंगे कि एक जो एक इंसानियत का एक जो लेवल होती है, वो इस कदर आज के दौर में गिर जाना, मतलब हम तो खुद ही राक्षस बनते जा रहे हैं। जी हाँ, जहाँ पूरा देश का संकट में है, कई परिजन अपने पेशेंट के लिए बेड ढूंढते नजर आ रहे हैं, कोई दवाइयाँ ढूंढ रहा है, तो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हुए रास्ते में दिख रहे हैं। अगर आप आज शहर का अगर जायजा लिया जाए, तो हर 5 से 10 मिनट में एक एम्बुलेंस की सायरन बजती है, या फिर शववाहिका का रास्ते से जाती है। ये हालत आज शहर की है। उसके बावजूद इस तरह के गिरोह जो मतलब लोगों के जान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, इन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, और सख्त से सख्त इस पर नकल कसनी चाहिए। जैसे कि शहर के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी ने 2 दिन पहले एक अध्यादेश निकाला था कि जो भी इसकी कालाबाजारी करेगा, और उसके तहत कंटिन्यू 3 दिन से आप देख रहे हो कि पुलिस की कार्रवाई होती जा रही है, चल रही है। लेकिन क्या ये पहली बात तो यह है कि क्या ये कार्रवाई का डर लोगों में है? उसके बावजूद भी कई ऐसे मामले होंगे जो उजागर नहीं हुए हैं, जो पकड़े गए वो तो चोर साबित हो गए, लेकिन ऐसे कई जो इवन मेडिसिन के शॉप्स में अगर आप जा रहे हैं, तो वहां पर अवेलेबल नहीं हो रहे। हॉस्पिटल ने ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कहाँ तक ये हम लोग प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स लिख के दे रहे हैं। ये बहुत अहम मुद्दा है, मैं बात कर रहा हूँ जो इमरान आपसे, कि हॉस्पिटल में जाने के बाद में आपके पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया जा रहा है, जिसमें रेमडेसिविर और उसके रिलेवेंट जो ड्रग्स है उसके प्रिस्क्रिप्शन आपको दिए, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि ये अवेलेबल है या नहीं है, और वो पेशेंट के जो रिलेटिव्स है वो उस मेडिसिन को अवेलेबल करने के लिए दर दर भटक रहे हैं, अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है, तो फिर वो पेशेंट का क्या? हॉस्पिटल ने उस पेशेंट को एडमिट करके अपनी जिम्मेदारी
खत्म कर देगी और मेडिसिन आपको लाना है, जबकि सरकार का ये कहना है कि ऐसे पेशेंट्स को जो जिलाधिकारी कार्यालय से डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसकी व्यवस्था क्या पेशेंट के रिलेटिव्स को करना है या हॉस्पिटल खुद करेगा? जी हाँ, ये वाला सबसे बड़ा सवाल लोगों में बहुत आ रहा है कुछ दिनों में, पिछले कई दिनों से ये जो चीज़ें हो रही है सर, ये शॉर्टेज की वजह से हो रही है। जिस तरह से आप देख रहे कि हाईकोर्ट ने दो दिन पहले आदेश दिया था कि शहर में अब तक रेमडेसिविर कितने लोगों को दिया है शाम तक आप बताइए, और कितनी कमी आ रही है, और उसका जो साठा है उसकी इंफॉर्मेशन पूरी देनी थी। उसके बाद अब कुछ 1100 के करीब रेमडेसिविर इंजेक्शन कल नागपुर आ चुकी है और कई हॉस्पिटलों में उसका उत्पादन अभी देना शुरू हो चुका है। अगर शॉर्टेज आ रही है तो ब्लैक कालाबाजारी ज़रूर होगी, ये तो निश्चित ही है। अगर इसकी शॉर्टेज अगर दूर की जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले कई दो चार दिनों से आप देख रहे हो कि नितिन गडकरी जी हो या फिर अलग पॉलिटिकल टोपी जी हो, केंद्र से मांग कर रहे हैं रेमडेसिविर की, या फिर गडकरी जी कई के मेडिसिन वो अपने जो नए नए स्तर पर स्तर है, बात कर रहे बिल्कुल अलग अलग उत्पादन की स्तर देख रहे हैं। पिछली बार अभी देखा है कि दो दिन पहले विशाखापट्टनम से ऑक्सीजन लाया जा रहा है नागपुर के लिए, वो शायद अभी आने वाले कुछ घंटे में शहर में पहुँच भी जाएगा। ये स्थिति अब आ चुकी है। और क्या लगता है कि ये जो अभी शहर में देश में राज्य में बोला जाए कि अभी लॉकडाउन लगा है, जिस तरह का लॉकडाउन आज जो घोषित किया गया है, कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था कि अभी ये सही समय है? आपने जो बात कही ना वो बात बहुत अच्छी कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बचपन में हम लोगों ने सुनी थी, हमारे अध्ययन में थी वो कहानी। वो कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि एक पिता और उनके पुत्र एक गधे को कहीं लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में जाते जाते लोग उनको टोकते कि यार गधा तुम्हारे साथ में है तो इसको ऐसा क्यों छोड़ रहा है, आप उस पर बैठो, वो उसके लिए है। और वो जब जल जाते हैं तो बीच में कुछ लोग उनको और टोकते कि यार वो बेचारा गधे जिसके ऊपर आप बाप बेटे बैठे हो वो तो मर जाएगा, तो एक बैठो। फिर एक बैठा है, एक बैठता है तो फिर उसके ऊपर में लोग फिर बोलते हैं कि यार बाप बैठा है और बेटा चल रहा है, तो ये दौर चलते रहता है। आखिरकार वो बाप बेटे उन गधे को लकड़ी पे बांध के एक ब्रिज पर से जाता है, वो घड़बड़ाहट में वो गधा भी बह जाता है और उनका पूरा नुकसान हो जाता है। ये स्थिति जो है मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि सही वक्त पे सही डिसीजन लेकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इम्प्लीमेंटेशन करना ये बहुत ज़रूरी होता था। लेकिन आज ये दूसरा साल चल रहा है कि कोरोना की महामारी जो इस कदर बढ़ गई है कि आज हर एक घर में एक पेशेंट पड़ा हुआ है और परिस्थिति नियंत्रण के बाहर, तब भी आप लॉकडाउन हाँ ना और लगाना तो उसके नियम कैसे हो, किस तरह से हो, हर घंटे में जो है कहानी बदल रही है। लॉकडाउन के नियम आप बदल रहे हो, लॉकडाउन के लिए समन्वय का अभाव है एडमिनिस्ट्रेशन में, लोगों में, सरकार में, तो ये वही कहानी हो गई कि कहीं भी इसका कोई एक इम्पैक्ट या कब ये सारी चीजें खत्म हो इसका कोई भी रिजल्ट इस वक्त तो भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जी हाँ, बिल्कुल सही। और वैक्सीनेशन की बात की जाए तो पिछले दो दिनों से शहर में वैक्सीनेशन की कमी है। महानगर पालिका के जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है। केंद्र में जो भी वहाँ के कर्मचारी हैं, हमने बीसी न्यूज़ के माध्यम से कल न्यूज़ दिखाई थी, जितने भी कर्मचारी हैं वो खाली बैठे। वैक्सीनेशन अभी शहर में कुछ शहरों में कमी है, उसमें नागपुर के भी नाम आ रहा है कि नागपुर में भी कई सेंटरों में हमने बीसी ने जायजा लिया तो वहाँ वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ एक तरफ हम वैक्सीनेशन की ये दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन करना चाहिए, काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, और शहर में वैक्सीन लस महोत्सव जो है जो हम ये करने वाले ने घोषित किया था, लेकिन उसकी तो धज्जियां उड़ती नजर आई। जी हाँ, और 1 तारीख के बाद अगर देखा जाए तो ये शायद ये भी एक नजर देना पड़ेगा कि 1 तारीख के बाद जब 18 साल के ऊपर लोगों को भी वैक्सीनेशन लगेगी तो 20 करोड़ लोगों को महाराष्ट्र में वैक्सीनेशन, 20 करोड़ वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में जरूरत पड़ेगी, दो उतने उतना सप्लाई हो पाएगा, हो पाएगा और किस प्रकार से भीड़ होगी। ये चीज, इस मुद्दे को लेकर एक अहम सवाल और लोगों के मन में है जो आज की ही न्यूज है कि वैक्सीनेशन के रेट जो है वैक्सीनेशन प्रोडक्शन कंपनियों ने अलग, कोविशील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग करके रखे हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ वो 150 में मिलेगी, वहीं वो स्टेट गवर्नमेंट को 400 में मिलेगी, तो वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वो 600 में मिलेगी। सबसे पहला अहम सवाल लोगों तक इसको पहुंचाना है, लोगों की जिंदगी को बचाना है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल बचाए, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट बचाए, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बचाए, लेकिन ये इस तरह की
ये जो तफावत है रेट्स में, ये क्यों? दूसरा, इसको लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था किस तरह से की जाए? क्या आने वाले समय में जो 18 साल के ऊपर के लोग इसका यूज करने वाले, जब उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, क्या वो पेड रहेगी या फ्री रहेगी? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में है, और उसके बावजूद भी आज एक अहम मुद्दा है जिसके ऊपर मैं पहले बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हाई कोर्ट ने सरकार को बहुत जबरदस्त लताड़ लगाई ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर, खास करके नासिक जैसी। ये हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप कुछ भी कीजिए, चाहे तो आप चोरी कीजिए, भीख मांगिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वो किसी भी सूरत में, जहां लोगों की जान बचाने का सवाल है, वहां पर उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। आप स्टील प्लांट बंद कर दीजिए, आपको जहां जहां पर भी लगता है कि जहां पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की जरूरत है, वो सारा इंडस्ट्रियल को प्रायोरिटी ना देते हुए सारी ऑक्सीजन की प्रायोरिटी जो है लाइफ सेविंग के लिए होनी चाहिए। अब ये कोर्ट के इस आदेश के बाद अब क्या होता है, किस तरह से इसकी इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये खैर देखने वाली बात होगी। क्योंकि आम जनता के अगर दृष्टिकोण से हम देखें तो आज भी जो लोग एक दर्दनाक जो है, जो हम विजुअल्स दिखाते हैं, जो हम तस्वीरें दिखाते हैं हमारे चैनल पर या बाकी सारी जगह पे जो हमारे पास में आ रही, वो स्थिति जो है एक कंट्रोल के बाहर होती जा रही है। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं काबू में करना बहुत ज़रूरत है, और इसको काबू करने के लिए बस ये काबू कर सकते हैं तो बस पूरी शहर की, देश की जनता, देश के लोग उसे काबू कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, और घर से बाहर निकलना बंद कीजिए जब तक लॉकडाउन जरूरी है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ हम मेडिकल प्रशासन या मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में अगर कोई सवाल खड़े कर रहे हैं तो हम आपसे विनंती करते हैं कि ऐसा ना करें। चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या कोई भी हॉस्पिटल, वहां पर पेशेंट्स की बहुत केयर की जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि जितनी व्यवस्था वहां पर है, जितना मैन पावर वहां पर है, उस मैन पावर के तादाद के अनुपात में कई ज्यादा संख्या में मरीज वहां पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो पेशेंट्स को बेड ना मिलना, ऑक्सीजन ना मिलना, ये दिखे। लेकिन जो भी पेशेंट उन डॉक्टर के हाथ में, उस व्यवस्था के हाथ में जा रहे हैं, उनको आखिर तक बचाने का प्रयास जो है सभी प्रशासन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें मेडिकल प्रशासन जो भी इसमें जुड़ा हुआ है उनका धन्यवाद करना चाहिए कि वो अपना जो पीपी किट पहनकर दिन रात पेशेंट्स की सेवा करना, ये अपने आप में बहुत एक ये होता है। हमारे हाथ में जो है, मगर इसको डिवाइड करें, प्रशासन, सरकार और जनता। प्रशासन कामयाब है नहीं है, इस पर चर्चा हो रही है। सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां जनता की भी है, तुम्हारी हमारी भी है। उस जिम्मेदारी का पालन हमें जरूर करना है। जब तक आवश्यकता ना हो हमें घर के बाहर नहीं निकलना है, हमें सैनिटाइजेशन का यूज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज करना है, मास्क का यूज करना है, और किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना है कि जिससे हमें और हमारे घर में कोरोना की एंट्री हो। तो हम बीसीएन के माध्यम से आपसे, पूरी जनता से और सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि नागपुर का आंकड़ा लगभग 3.5 लाख होने आ रहा है, रोज मौत का आंकड़ा भी 100 के आसपास हो रहा है, ये स्थिति चिंताजनक है। कहीं ना कहीं हमें भी हमारा योगदान इसमें देना पड़ेगा, हमें अपनी सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी जरूर लेनी पड़ेगी। जी हाँ, जाते जाते हम यही कहेंगे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कोविड के जो भी नियम बने हैं उसका पालन कीजिए, और अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा आप ही के हाथ में। बिल्कुल, और ऐसी चर्चा के साथ में, ऐसी प्राइम टाइम के साथ में हम फिर आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।